देखो दोस्तों, आप उनको एक समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, कक्षा 10वीं का है, जो कि एक समांतर श्रेणी में टोटल 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका गुणतीसवां पद ज्ञात कीजिए। अब गुणतीसवां पद अपन को ज्ञात करना है, तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले कि इसका तीसरा पद एल 12 है, लिख दिया। इसका अंतिम पद एल बराबर 106 है, जो इसमें दे रखा है, लिख दिया। ए 50, 50 पद है टोटल, तो ए 50 बराबर 50वां पद है, लिख दिया। अपन को ए 29 ज्ञात करना है, तो ए 29 लिख दिया। अब अपन को यहां से पता चल रहा है कि 50वां पद है समांतर श्रेणी में, तो ये उसका अंतिम पद होगा। तो अपन डायरेक्ट 50वां पद दे रखा है, तो समांतर श्रेणी में एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी होता है। यहां पर ए 50 दे रखा है, तो 50वां पद यहाँ एन की जगह 50 लिख दिया, ए प्लस 50 माइनस वन गुणा डी। तो समीकरण एक में से समीकरण दो को अपुन ने घटाया। अब घटाने पर ए प्लस 49d बराबर 106, ए प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ हल किया तो d बराबर 2 आ गया। d का मान जैसे मिला उसको या तो एक में रख दो, दो में मिल दो, तो अपुन किसी में भी रखेंगे तो अपुन को एक का मान मिल जाएगा। तो इस समीकरण d का मान समीकरण दो में रखने पर एक का मान 8 आ गया। अब जैसे अपन को एक 29 बराबर 64 इसका आंसर है।